जाएंगे थोड़ा लेट जाएंगे। हाँ मम्मी, आज मैं ना कड़ी भजे बना रही। कड़ी तो मेरी बन गई है यहाँ। अच्छा, मेरे को लगा आएगी घर कड़ी बनने वाली है। और अभी बना रही भजी। मम्मी क्या चमक रहे तुम। तो ये आई, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। क्या डाले इसमें? इसमें बेसन है, प्याज है, मिर्ची है, हरी सांबर है, कड़िया पत्ता है, लाल मिर्च है, हल्दी है, अजवाइन है। जब भी मैं ना ऊपर कर रही तो नीचे देख रहे हो, नीचे कर रहे ऊपर देख रहे। हाँ। इसमें अजवाइन है। हाँ हाँ। सब बताए ना वो हो गया मम्मी। नहीं होने का है। ये कौन सा तरीका है? ये थोड़ा मोहन बोलते ना इसको। मोहन काय बनते आई, सब बरोबर? जल रहा ऐसा क्यों लग रहा? तो छर से आवाज है। हाँ अब हुआ गरम। जब से तुम ये चेक कर रहे थे क्या कि गरम हुआ कि नहीं हुआ? था ना यार, दूर रखो ना हाथ मम्मी। इतना चेक कर रहे माय लाइफ। अभी ये जो सीन है ये सब नहीं दिखेगा, इसके बाद कुछ और दिखेगा। क्या आई रविवार? अपन गेम खेलो आई होते। ये सो गाइज, ये जो क्लिप है ये मैं गई थी अपने कान का टेस्ट करवाने। कुछ टेस्ट थी जो डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, जो इसके पहले भी मैं करवा चुकी थी, बट उन्होंने कहा कि ये जो रिपोर्ट है वो रिलायबल नहीं है। सो इसलिए मुझे डबल टेस्ट करवाना पड़ा। एंड मुझे जिस कान में नहीं सुनाई दे रहा था तो मैं बस वही बता रही थी उनको कि हाँ सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, सारी चीज़ें वही अपडेट। यार आगे आपको पता चलेगा कि क्या रिपोर्ट आई है। उसके बाद ये नेक्स्ट डे की क्लिप है, नेक्स्ट डे सुबह की, जब मैंने सांभर वड़ा दाल लेकर आई थी। मैंने दुकान से ही लेकर आई थी, मेरी बहुत इच्छा हो रही थी, जिसमें मेरी नानी ने कहा बेटा जितने रुपए में तूने सांभर वड़ा में दो दो सांभर वड़े लेकर आई है ना, उतने में अपन पूरी फैमिली अच्छे से पेट भर के खा सकती है। उसके बाद ना मेरी गाड़ी का पेट्रोल मेरे को आपको दिखाना था। आप लोग देखो मेरी गाड़ी कितनी ज़्यादा ड्राई है, कितनी ज़्यादा नहीं बोलूँगी, पूरी ड्राई है पूरा। मुझे पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। देन आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस एंड उसके तरफ से मैंने पेट्रोल तो लेकर आ गई। कैसे बोल रही हूँ मैं? मम्मी बालों में लगा रहे? बालों में तो सिर्फ ये दुख रहा। बोले तो बाल धोती? हाँ बाल धोऊंगी पर मत लगा। ये चेंज करना तो इस पर बात लग जाएगी ना। अच्छा ठीक। तो अभी मेरी अगेन गर्दन की मालिश चल रही है एंड दी का आज शिफ्टिंग है निशा दी के घर का, और मस्त मस्त मेरी मालिश हो रही है और हम जाएंगे, थोड़ा लेट जाएंगे वहाँ। हाँ मम्मी, एज आई मैंशन लॉट्स ऑफ टाइम कि मेरा जो है नेक में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। उसके बाद में मुझे बहुत ज़्यादा नेक में और कान के पीछे में बहुत तकलीफ़ हो रहा था, तो उसके बाद मैं सो गई। एंड उसके बाद ना आगे का देख लो आप। सो दीदी का घर हो गया है खाली गाइस, आप लोग देख सकते हैं। एक टाइम पे मैं इस घर में आया करती थी एंड सब खाली हो गया है। हैं भाभी का कैसा लग रहा है नए घर में जाने के लिए? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, आ जाएगा सब सामान। और अगर मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ भी दीदी अलग ही दुनिया कुछ नहीं, जब से टाइम पास कर रहे हैं। और ये तीन रूम का है, अभी नेक्स्ट रूम दिखाऊंगी मैं आपको उधर ही। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं यहाँ थोड़ा टाइम पास करने आ गई, क्योंकि मैं घर में अगर होती तो फिर मेरा मूड बड़ा ऑफ ऑफ सा होता, तो इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। अभी मैं तुमको नए घर पे लेके चलती हूँ। दिस इज हर न्यू हाउस जो कि अभी बहुत सारा पसारा है। एंड अब आप लोग पूछोगे कि यहाँ पेंटिंग वगैरह क्यों नहीं है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको मेरे दूसरे वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे जो है वॉशरूम है, बेसिन है एंड यहाँ पे एक टूटा हुआ मिरर है एंड यहाँ पे एक और एक मिरर है। सो बहुत कुछ है। अब ये है न्यू हाउस। हेलो मम्मी, हाय। जो तुमने कुछ भी काम नहीं किया मम्मी आज। बाप रे, मैंने इतना सारा काम करे तो काम नहीं करे।
वो बेड ये फ्रिज कितनी छोटी लग रही दीदी, फ्रिज कितनी छोटी लग रही आपके इधर की। सो हाय गाइस, मैंने इन डेप्थ में कोई भी चीज़ नहीं बताई थी, मैंने कम्युनिटी में बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मतलब मैंने 6-7 महीने पहले भी बताया था कि मुझे पैक में पेन है या नेक में पेन है, मैंने हर चीज़ आप लोगों के साथ में टाइम टू टाइम शेयर की है, बट यू नेवर नो ना कब क्या हो जाए, मुझे भी नहीं पता था एंड आप लोगों को भी नहीं पता था कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा, सीवियर कुछ हो जाएगा। और जो मैंने आज क्लिप जो भी शेयर किया ना, वो आप समझ सकते हैं, मैंने जो छोटी मोटी क्लिप्स बनाई थी मैंने वो सारे आपके साथ में शेयर किया है, क्योंकि जब मैं कैमरा उठा रही थी तो मैं सोच रही थी कि चलो आज मैं व्लॉगिंग करूँगी एंड उसके बाद में सडनली ऐसा हो जा रहा था कि मैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, उसको मैं मेंटली भी इसलिए बोल रही थी कि मैं मेंटली अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि ऑफकोर्स मैं फिजिकली अच्छा फील नहीं कर रही थी तो इसीलिए मैं मेंटली भी अच्छा फील नहीं कर रही थी, मतलब दोनों चीज़ें इंटरकनेक्टेड है ना, तो ऐसा हो रहा था। फिर मैं ब्लॉग के लिए कैमरा उठा रही तो मैं सोच रही थी चलो आज मैं ब्लॉग करूँगी एंड फिर सडनली मेरा थोड़ा टाइम के बाद तबीयत ठीक नहीं होना, तो बहुत सारा ऐसा चल रहा था लास्ट फ्यू डेज से, या 2-3 हफ्ते तो हो गया है, मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से नहीं रह पा रही हूँ कोशिश करके भी, और मैंने कम्युनिटी पे भी डाला था इस चीज़ के बारे में। चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है कि मुझे क्या हुआ क्या नहीं, कब से हो रहा था ये तो आपको पता है, मुझे प्रॉब्लम कब से थी। तो अभी जब मैंने मेरा पुराना डॉक्टर को मैंने चेंज किया, मैंने दूसरे डॉक्टर के पास गई, तब मुझे पता चला, जैसे उन्होंने मेरे कान में नॉर्मली चेक किया ना, तो उन्होंने बताया कि क्या बोलते मेरे कान में ना हड्डी जो है, मेरे कान की जो हड्डी है, मतलब जो हमारा पर्दा होता है कान का, उसके पीछे में 3 हड्डियाँ होती है, तो उसमें से एक जो बोन है वो फिक्स्ड हो गई है। तो जितना मुझे समझेगा मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे भी एकदम एग्जैक्ट ऐसे नहीं पता है। उन्होंने देखकर ही मुझे पहली बार में बता दिया था कि मेरी जो कान की हड्डी है वो फिक्स हो गई है एंड फिर उसके बाद में उन्होंने मुझे एक और एक टेस्ट बताया जो पिछले डॉक्टर ने भी बताया था, तो मैंने वो टेस्ट किया फिर से और फिर वो रिपोर्ट में देखो मैं मतलब कितना, मतलब मैं ना इतनी परेशान हो गई थी, क्योंकि जो मेरे प्रीवियस डॉक्टर थे ना उन्होंने मुझे बताया ही नहीं कि एग्जैक्ट मुझे प्रॉब्लम क्या है, मैंने कितने बार आपको बताया ना, पर मुझे ये पता ही नहीं चला कि मुझे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने मुझे ये बताया कि मेरे कान में जो नस है वो दब गई है, हो सकता है वो सही बोल रहे हो, क्योंकि मुझे मिक्स हियरिंग लॉस हुआ है, सो या और मुझे दोनों कानों में हियरिंग लॉस है। गाइज आप लोग सोच नहीं सकते कि कितना वियर्ड ये फीलिंग है, क्योंकि जब कोई कुछ बोलता है आगे से मुझे समझ नहीं आता, और कुछ समझ आ भी जाए तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ कि उन्होंने वही बोला जो मैंने सुना। बहुत ही ज़्यादा वियर्ड, मतलब बहुत ही एम्बैरेसमेंट भी फील होता है, बिकॉज़ मेरी एज कम है तो, और मेरा काम जो है वो है, मतलब एज से तो कोई मैटर नहीं करता, बट मैं आपको वो एम्बैरेसमेंट और वो अंदर ही अंदर जो फील करना कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, वो बहुत ही अलग चीज़ है। उसके बाद में मुझे प्रीवियस डॉक्टर ने नहीं बताया कि मुझे बोथ ईयर में हियरिंग लॉस है, उन्होंने मुझे ये भी नहीं बताया कि मुझे हियरिंग लॉस है, मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला जस्ट नस जो है वो दब गई है तो हम मेडिकेशन से ठीक करने की कोशिश करेंगे। जब लास्ट टाइम मैं उनके पास में गई थी तब उन्होंने मुझे बोला कि ये लास्ट टाइम ट्राई करते हैं मेडिकेशन से, उसके बाद आप आइए फिर बताते हैं, बट वो ऑलरेडी मेरा इतना पैसा जा चुका था और मुझे कुछ भी नहीं आराम पड़ रहा था, तो इसलिए फिर आई चेंज माय डॉक्टर और मैं अच्छे डॉक्टर के पास गई। देन वहाँ पे मुझे पता चला कि मेरे दोनों कान में हियरिंग लॉस है, राइट वाले कान में सीवियर हियरिंग लॉस है, जिसमें कि मेरा मिक्स्ड हियरिंग लॉस है, जिसमें मेरा नर्व और हड्डी ये दोनों का हियरिंग लॉस है, और लेफ्ट वाले में सिर्फ हियरिंग लॉस है, ये थोड़ा ठीक है, ये थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड आप लोगों को याद होगा तो मैं बार बार यही का बोल रही थी कि मुझे पेन नहीं आया, तो डॉक्टर ने बोला पेन तो मुझे ईयर की वजह से नहीं है, पर पेन की वजह से मुझे समझ आया कि मुझे कुछ तो भी प्रॉब्लम है। तो फिर उसके बाद में भी जब उन्होंने मुझे डायरेक्टली बताया कि आपको एक तो मशीन लगानी पड़ेगी कान की, या फिर आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, और ये दो ही ऑप्शन है, आपका मेडिकेशन से कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया बेटा आपका मेडिसिन लेने से कुछ नहीं होगा, आपको ऑपरेशन
ही करना पड़ेगा। और यार मतलब आप लोग सोच नहीं सकते, कुछ दिनों से मेरी लाइफ इतनी उथल पुथल होकर चल रही है ना, तो मेरे को आपको ना इसे बैठ के अच्छे से बताना था। ये वीडियो तो क्लिप्स तो बहुत दिनों की है, बट मतलब बहुत टाइम की है, अलग अलग टाइम की, पर ये जो बैठ के मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि मैं बता पाऊँ करके। और उसके बाद मैं इंस्टाग्राम पे भी कुछ अपडेट नहीं थी, मतलब एक्टिव नहीं थी। हाँ तो उसके बाद में भी फिर भी जैसे कि मेरा प्रीवियस डॉक्टर के साथ हुआ, तो मैंने सोचा चलो एक और एक डॉक्टर के पास जाते हैं, अच्छे और डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मैं दूसरे एक और एक डॉक्टर के पास सेम डे सेकेंड डे ही गई, मैंने अपनी रिपोर्ट्स लेके गई। तो उन्होंने भी बताया कि यस, उन्होंने जैसे चेक करके बताया कि यस आपको हियरिंग लॉस है, और उन्होंने फिर रिपोर्ट्स भी देखे, तो उन्होंने देखे बराबर ही बताया कि यस आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। एंड आप लोग सोच नहीं सकते कि मतलब मैं लाइफ में इतना सब कुछ सफ़र कर रही हूँ ना, कि मतलब समझ ही नहीं आ रहा यार कि मैं क्या करूँ। सो गाइज यही अपडेट देना था, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं है तो मैं कुछ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी मैं अपलोड करूँगी, और हम लोग जल्द ही दूसरे घर में भी शिफ्ट हो गए, एग्ज़ाम्स भी है मेरी अभी, तो इसलिए मैं ये सब कुछ एक साथ नहीं कर पा रही हूँ, और मुझे मेंटली एक पीस नहीं मिल रहा है। आई नो कि अगर मैं कुछ अपलोड नहीं करूँगी तो मेरा चैनल का जो ग्रो जो है वो रुक जाएगी, क्योंकि मेरा उतना अच्छा वैसे भी चैनल नहीं चलता है। बट आई डोंट केयर यार इस वक्त, क्योंकि जो मैं फील कर रही हूँ ना आप लोग नहीं समझ सकते। जो लोग बोलते हैं ना कि येस आई कैन फील योर पेन या आई कैन फील योर सिचुएशन, नो यू कांट, यू कांट सीरियसली। जब एक मतलब देखो, वो जब किसी का एक हाथ नहीं होता है ना, तो वो इंसान ही समझ सकते हैं, आप उसकी फीलिंग्स उसकी सिचुएशंस नहीं समझ सकते। अब मुझे नहीं सुनाई दे रहा है, मैं ऑफिस में, बताओ मेरा काम क्या है? मेरा काम यही है कि मैं सुनती हूँ, जो प्रोनंसिएशन आपका निकलता है उसके अकॉर्डिंग मैं अपना डिक्टेशन लेती हूँ। एंड वॉट क्या हो रहा है मेरे साथ में, मैं आई एम नॉट एबल टू हीयर प्रॉपरली, आई कैन नॉट। और ये मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है कि मेरा जॉब इसमें सफ़र कर रहा है। तो मेरे ऑफिस में काफ़ी अच्छे लोग हैं कि वो मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, बट ये ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता। मेरे को इस बात का डर है, क्योंकि डॉक्टर ने बताया है कि 50-50 चांसेस है। जब वो मतलब उन्होंने जिस तरीके से बताया, मैं वो बता रही हूँ कि उन्होंने बोला कि कान का पर्दा हटा के हड्डी चेक करेंगे, बोन, और अगर लगता है कि ये ठीक हो सकता है तो ही करेंगे, अदरवाइज़ आपको मशीन लगानी पड़ेगी। हाँ आई नो कि मशीन से मुझे सुनाई देगा, बट ये सोच कर ही मुझे बहुत ही अलग फीलिंग आ रही है कि यार क्यों, लाइफ सच में इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कब क्या हो जाए आपके साथ में। एंड आप लोग मुझे इतने टाइम से देख रहे हो, आप लोगों ने कभी सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा मेरे लाइफ में? मैं कितने टाइम से बोल रही हूँ, मैंने अपने वीडियोज़ में भी हर बार मेरे वीडियोज़ ना कहीं आगे सैड मोड पे एंड हो जाते हैं। एंड मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि मेरे वीडियोस इस टाइप के, मतलब थोड़ा हंसता खेलता वीडियो रहे, और उसके बाद मैं एंड में मैं बोलूँ कि हाँ मैं बीमार हो गई, एंड में बोलूँ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और मैं बोल देती हूँ, एक्चुअली मैं बोल देती हूँ, मैं कभी नहीं चाह रही थी कि मेरे वीडियोज़ ऐसे सैड एंडिंग हो, पर हो जा रहे थे और आज भी जैसे हो ही रहा है। बट ना होप्स हूँ कि मैं होप कर रही हूँ कि आगे ये सैड मूड ना रहे, और आगे आने वाले वीडियोस में मैं थोड़ी अच्छी खिलखिलाती रहूँ। या मैं रहती तो हूँ, पर अंदर से जो होता है ना वो नहीं एक्सप्लेन कर सकते ना, तो मैं इसलिए ज़्यादा मुझे टेंशन आ रहा है, क्योंकि मेरा घर मेरे भरोसे चलता है जैसे मैंने आप लोगों को बताया। सो अगर मेरा जॉब, अगर मैं सुन नहीं पाऊँगी ठीक से तो मेरी जॉब पर आएंगी, वो मुझे बहुत ज़्यादा बॉदर कर रहा है। और मैं एक्चुअली एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मुझे कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, मतलब नहीं समझ आ रहा, मेरे दिल में बहुत कुछ है। बट यही ये वीडियो में मुझे एक्चुअली यही बताना था, दैट्स व्हाई मैंने ये क्लिप को लगा दिया, क्योंकि वो क्लिप मैंने शूट करके रखी थी, मेरा मन ही नहीं कर रहा था, कभी कर रही थी कभी कुछ। खैर सारी चीज़ें मैंने बता दिया आपको, अभी डॉक्टर ने ऑपरेशन बताया है एंड आई एम वेटिंग फॉर सम मनी, क्योंकि मेरे पास में मनी भी नहीं है, तो इसीलिए। और बहुत सारी न्यूज़ भी आपके साथ में शेयर करनी है, बट
थोड़ा सा वक्त लेके मैं आपके साथ में शेयर करूँगी सारी चीज़ें। और अभी फ़िलहाल तो लाइफ पूरी उथल पुथल है। उस दिन मैं बोल रही थी ना लाइफ रोलर कोस्टर है, अभी मेरे लाइफ का ये नीचे आकर ऐसे ऊपर ऊपर नहीं जा रही हूँ, मैं अभी नीचे नीचे जा रही हूँ, ऊपर आने के लिए टाइम है। तो वही फेज चल रहा है। अब मैं वेट कर रही हूँ कि सब ठीक हो जाए एंड प्रे फॉर मी कि मैं मेरा ऑपरेशन अगर मैं करवाती हूँ तो सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि उन्होंने कहा 50-50 पर चांसेस है। दूसरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं ये हो जाता है सक्सेसफुल, बट जिस डॉक्टर को ये करना है उन्होंने कहा कि 50-50 चांसेस है। तो मुझे वो भी बहुत कम सुनाई दे रहा था, मम्मी ने मुझे बताया कि उन्होंने ये कहा। तो मैं देख रही हूँ अभी क्या होगा, मैं थोड़ा टाइम ले रही हूँ सोचने को कि क्या होने वाला है, मैं क्या करूँगी, क्या कैसे। हियरिंग लॉस बहुत ही अलग चीज़ है, अंधा बहरा ये सारी फीलिंग्स बहुत ही अलग चीज़ है यार। सो यही था मुझे आपके साथ में शेयर करना था। आई एम सॉरी मैंने वहाँ पे कैमरा रख दिया तो थोड़ी सी लाइटिंग भी अलग लग रही थी, बट या यही अपडेट था मेरी लाइफ का, मेजर अपडेट जो मुझे आपको देना था, दैट आई एम नॉट वेल। और जिस चीज़ का डर था ना वही हुआ। खैर आई होप, नहीं वीडियो तो नहीं अच्छा लगेगा आज आपको। सो बस आप ना मेरे चैनल पे थोड़ा सा हेलो हाय करते रहिए, क्योंकि मेरा हो सकता है वीडियो डालने की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाए, बहुत कम कम वीडियो डालूँ, थोड़ा टाइम लगेगा बट डालूँगी, मैं कोशिश करूँगी मैं डालूँ अपना 100% देने की। और आप बस ऐसे ही साथ बनाए रखिए, प्रे फॉर मी, दुआ में याद रखना, ठीक है। और अभी के लिए तुम्हें रखती हूँ, क्योंकि वह ना बाद में बात करूँगी दूसरे किसी ब्लॉग में, ठीक है, बाय।